हेलो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू। अब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट समझ रहे थे। अब इसमें हम देखते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज, मतलब एक नई कंपनी बन रही है, वहां पे एचआर का क्या रोल रहने वाला है। ठीक है, देखो, अगर मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो हमें एम्प्लॉय से अच्छे से काम लेना आना चाहिए, ताकि जो कंपनी का जो गोल है वो पूरा हो सके। क्लियर कट जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए सभी पोस्ट पे। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि भाई अच्छे से ईमानदारी से लोग काम नहीं करेंगे तो कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी। इसीलिए अगर आप किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो उस पोस्ट का डिस्क्रिप्शन, जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ही जरूरी है। आप जिस प्रोफाइल में भी जॉब चाहते हैं, आप उस प्रोफाइल का जॉब डिस्क्रिप्शन सर्च कर लो गूगल में। आपको अकाउंटेंट बनना है तो अकाउंटेंट का जॉब डिस्क्रिप्शन देख लो, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग स्टाफ बनना है तो मार्केटिंग मैनेजर स्टाफ का वो बना लो जॉब डिस्क्रिप्शन। आपको जिस फील्ड में भी काम करना है वहाँ का जॉब डिस्क्रिप्शन देख लो, गूगल पे सर्च कर लो, और कहीं पे देखो जॉब वैकेंसी निकलती तो वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर लिखा होता है। बस वो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपके अंदर स्किल होना चाहिए, और फिर आप देखो आपके रिज्यूमे में या सीवी में वो जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड स्किल या क्वालिटी मेंशन है या नहीं है। अगर है तो हाई चांसेस हैं कि आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाएगा, और हाई चांसेस हैं कि आप इंटरव्यू भी क्रैक कर लोगे, क्योंकि तो जब आप इंटरव्यू में अपने बारे में बताओगे तो जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स भी आपकी बातों में आ ही जाएगा। इसे कहते हैं प्रिपरेशन, ताकि आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो आप सेलेक्ट होके जाओ। तो इसीलिए जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। हियर सम ऑफ द एचआर ऑब्जेक्टिव दैट अप्लाई टू न्यू एंटरप्राइजेस। अब देखते हैं नए एंटरप्राइज पे क्या होता है। डेवलप अ कॉम्पिटेंसी मॉडल। जो एचआर होते हैं वो हर तरीके के, हर पोस्ट के लिए, हर लोग के लिए, हर जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, और सारे जॉब डिस्क्रिप्शन को पूरा करने के लिए क्या एक कॉम्पिटेंट स्किल होना चाहिए, मतलब राइट पर्सन के पास राइट जॉब हो, राइट टाइम पे हो सभी डिपार्टमेंट में, ताकि एक फिक्स्ड बेंच मार्चिंग रोल डिसाइड, बेंच मार्क होता है जो एक बेस्ट से बेस्ट कोई हो। आप देखना किसी एम्प्लॉय में, अगर एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा से कर रहा होता है तो उसको एक रिवॉर्ड दिया जाता है, वो दूसरों के लिए एक बेंच मार्क बन जाता है, एक आइडियल बन जाता है कि हाँ यार इसके जैसा काम करना है। इसीलिए टॉप एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या फिर बेस्ट मैनेजर का अवार्ड दिया जाता है। तो एक कॉम्पिटेंट मॉडल तैयार करना है, राइट लोग, राइट राइट पर्सन के पास राइट जॉब हो राइट टाइम पे। फिर डिफाइन ऑर्गेनाइजेशंस डायमेंशन। ऑर्गेनाइजेशन का डायमेंशन डिवाइड करना, मतलब डिफाइन करना, उसमें क्या है, एंटरप्राइज शुड बी अकॉर्डिंग टू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं बिजनेस के, उसके हिसाब से एंटरप्राइज में काम करना होता है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटजी पे होता है। जैसे कि चेन ऑफ कमांड, जैसे मैनेजर है उसके नीचे सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के नीचे क्लर्क है, क्लर्क के नीचे वर्कर है, इस टाइप से। तो ये कमांड, इसी को डायमेंशन बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डायमेंशन, ये एचआर डिसाइड करती है। डिफाइन मिशन विजन और वैल्यूज। मिशन, सबसे पहले आपको विजन डिफाइन करना पड़ता है। विजन क्या होता है, हाँ यार अपने को 5 साल में, मान लेते हैं कि बहुत सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे जाना है, विजन है ये, या 5 साल में मुझे बिजनेस सेट करना है बहुत ही बड़ा, जिसमें 100 लोगों को मैं जॉब दे सकूं, ये विजन है। फिर उसके बाद मिशन क्या हो सकता है, मिशन ये कि उस 5 साल में हम करेंगे कैसे, उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, वो मिशन है, ठीक है। और वैल्यूज, वैल्यूज मतलब आपका कैरेक्टर, आपका एटीट्यूड, वही सबसे ज्यादा जो अफेक्ट डालता है बंदे की पर्सनैलिटी में, वो है उसकी ह्यूमन वैल्यूज, उसकी बिलीव्स, उसकी मान्यताएं, जिसके बेस पे उसकी लाइफ चल रही है। नाउ द दिस टर्म्स आर वेरी क्रूशियल द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी डिसाइड करने में, ये सब चीजें काम आती है। अब जैसे टाटा की देखो, टाटा के ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या है, क्वालिटी सर्विस देनी है, क्वालिटी काम करना है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग ज्यादा, इसलिए टाटा ने क्या किया, मार्केट में ट्रस्ट डेवलप कर लिया है, ठीक है। परफॉर्म वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस में ये होता है कि कौन से लोग किस
किस कल्चर में किस तरीके से सिस्टम में काम करेंगे, करंट सिचुएशन क्या है कंपनी की, आगे अगर रिक्वायरमेंट आ जाएगी किस एरिया में रिक्वायरमेंट आएगी, तो वर्क फोर्स एनालिसिस में ये सारा आता है। करंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में कितने आने जाएगी, कौन से ग्रुप्स हैं, कौन सी टीम है, किस में कितने बंदे काम कर रहे हैं। इवेलुएट इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजी, आपने जो स्ट्रेटजी बनाया उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया, उसके बाद उसे इवेलुएट तो करो। जिस कंपनी में हाई एम्प्लॉय टर्नओवर होता है ना, वो कंपनी अच्छी नहीं होती है। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब ये होता है कि वहाँ पे लोग बार बार ज्वाइन करते हैं, बार बार छोड़ देते हैं। तो जिस कंपनी में भी एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होता है, वहाँ पे इसका मतलब वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, वहाँ का एचआर अच्छा नहीं, वहाँ के एचआर की स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे लोग सेटिस्फेक्शन नहीं है, वहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन है एम्प्लॉयज़ में और कस्टमर में भी। तो इसका मतलब आप अपनी स्ट्रेटजी को जो इम्प्लीमेंट किया उसे इवेल्युएट भी तो करो, अगर कहीं पे सही करने की जरूरत है उसे सही कर दो ना। रोल ऑफ एचआरएम इन अ स्टार्टअप कंपनी, जो नई नई स्टार्टअप बनती है, छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, तो रोल ऑफ एचआरएम क्या है स्टार्टअप कंपनी में। फॉलोइंग आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एचआरएम, नए स्टार्टअप में रिक्रूटमेंट करो, कितने लोगों की जरूरत है ये पता लगाना, फिर सेलेक्ट सेलेक्शन का प्रोसेस करना, फिर कंपनी के बारे में लोगों को बताना, मतलब एम्प्लॉई को बनाना जो सेलेक्ट हो गए, तो ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्शन प्रोग्राम करना, कम्युनिकेशन विद द वर्क फोर्स, जो भी एम्प्लॉई काम करते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना, ऑप्टिमाइजिंग वेज एंड सैलरी कॉस्ट। ऑप्टिमाइजिंग वेज एंड सैलरी कॉस्ट का मतलब जितना आप कॉस्ट दे रहे हो उन लोगों को, सैलरी दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो बंदा काम करके भी दे रहा है कंपनी को, ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज ऑप्टिमम लेवल पे। अब आप लोगों का कल एग्जाम है ना, इस टाइम आप जो पढ़ रहे हो, इस टाइम जो आप मेहनत दिखा रहे हो, मान लो वो एक ऑप्टिमम लेवल पे है कि अब मैक्सिमम कैपेसिटी पे। ठीक है, नाउ ट्रैकिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ अटेंडेंस, भाई अटेंडेंस लगाना, आप भी कहीं पे काम करोगे, करते भी होगे, तो वहाँ पे अटेंडेंस लगती है ना, ये सब एचआर का काम है। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेज एंड डिस्प्यूट अमंग एम्प्लॉयज, अगर कोई डिस्प्यूट है, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई शिकायत है, तो भी एचआर पे ही लोग जाते हैं, एचआर का काम होता है उसको सही करना। प्रोवाइडिंग सेफ्टी इन जॉब्स, जॉब्स में अगर किसी टाइप की सिक्योरिटी इशूज है तो सेफ्टी प्रोवाइड करना भी एचआर का ही काम है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज असेट्स, कंपनीज असेट्स के जो कंपनी की जो संपत्ति है असेट्स है उसके भी मैनेज करना। रिकॉर्ड एंड मेंटेन द डाटा बेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के अगर डाटा है उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। मेंटेन हेल्दी पब्लिक रिलेशनशिप, हेल्दी पब्लिक रिलेशन, कंपनी की इमेज कैसी रहेगी पब्लिकली, कंपनी की इमेज को धक्का नहीं पहुंचना चाहिए, वो भी एचआर का काम है। मेंटेन गुड पब्लिक इमेज ऑफ अ कंपनी, मैनेजिंग पे रोल एंड इंसेंटिव सिस्टम, मतलब सैलरी देना, इंसेंटिव देना। ओके नाउ द केस स्टडी, वो छोड़ दो आप। ओ फैमिली बिजनेस, अगेन फैमिली बिजनेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। नाउ फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट, फैमिली बिजनेस में क्या होता है कि भाई एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन साथ में काम कर रहे होते हैं, बेसिकली टू जनरेशन, ठीक है, जिसमें मिनिमम 5% वोटिंग पावर हेल्ड करते हैं फैमिली के मेंबर्स। अब अगर हम देखें तो फैमिली बिजनेस की एक डेफिनेशन है जी, ओनरशिप कंट्रोल 15% या उससे ज्यादा, दो या दो से ज्यादा मेंबर होते हैं फैमिली के, या पार्टनरशिप्स होती हैं फैमिलीज की, उनके पास होता है। कंसर्न्स फॉर फैमिली रिलेशनशिप्स, फैमिली रिलेशनशिप्स की भी यहाँ पे चिंता रहती है, तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। नाउ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस अक्रॉस जनरेशन, यहाँ पे क्या होता है, एक जनरेशन ने स्ट्रगल किया, एक जनरेशन ने बिजनेस बनाया, अब दूसरे जनरेशन को वो बना बनाया बिजनेस हैंड ओवर किया जाता है, कंटिन्यूटी रहती है, मिनिमम दो जनरेशन तक तो बिजनेस रहती ही है। नाउ फोर्थ, फैमिली मेंबर आर इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, फैमिली मेंबर या फैमिली जो इन्वॉल्व होती है मैनेजमेंट में बिजनेस के, लाइक बिजनेस के फंक्शंस, कल्चर बनाने में वर्क करते हैं शेयर होल्डर्स के तरीके से, और एडवाइजर भी होते हैं, और वही बोर्ड मेंबर भी होते हैं फैमिली बिजनेस में। फैमिली बिजनेस इन इंडिया, अब टाटा, रतन टाटा जी हैं, उनके फादर जी जेआरडी टाटा थे, उन्होंने अपना पूरा बिजनेस बनाया, उन्होंने हैंड ओवर दिया, तो ये देखो दो जनरेशन तक हो गया। नाउ फैमिली बिजनेस इन इंडिया, इन इंडिया फैमिली बिजनेस अकाउंट फॉर अ सच फॉर एज मच 95% ऑफ ऑल द इंडियन बिजनेसेस, इन विच नियरली 80% ऑफ फैमिली बिजनेसेस कंपनी इन इंडिया डोमिनेट द इंडियन इकोनॉमी, मतलब 95,
परसेंट में जो फैमिली बिजनेस है उसमें जो 80% है वो इंडियन इकोनॉमी को डोमिनेट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी का 80% फैमिली बिजनेस वाले डोमिनेट करते हैं। सम वेल नोन कंपनीज बेस्ड ऑन द फैमिली बिजनेस इन इंडिया इज HCL, टाटा का एग्जाम्पल मैंने दिया था, टाटा ग्रुप, रिलायंस एंड द वाडिया ग्रुप। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फैमिली और फैमिली फॉर्म्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? लॉन्ग टर्म भी होता है। ये लोग बड़े जब दो जनरेशन के लिए काम करना है तो बहुत लंबे के बारे में सोचते हैं। द लास्टिंग मिशन एंड विजन, ये जो विजन रखते हैं, जो मिशन रखते हैं, उसको वो लोग पूरा करते हैं। लॉन्ग लास्टिंग पर्पस, बहुत ही लंबा एक पर्पस, छोटा छोटा पर्पस नहीं रखते ये। नर्चरिंग एंड केयरिंग कम्युनिटी, ये एक दूसरे के रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं, एक दूसरे की कम्युनिटी को डेवलप करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और एक्ट एज स्टीवर्ड्स। स्टीवर्ड्स क्या है, कोई बताएगा? स्टीवर्ड्स स्टीवर्ड्स स्टीवर्ड्स, एक सेकंड। एक्ट एज स्टीवर्ड्स मतलब एक जो पोस्ट दी जाती है, एक हर फैमिली मेंबर हर बिजनेस अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बिजनेस फैमिली मेंबर में एक ही बंदा है जो बिजनेस के बारे में सोचता है, बिजनेस को प्रमोट, हर कोई बंदा बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा रहता है। नाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप्स बॉन्ड्स एंड कनेक्शन विद स्टेक होल्डर्स। बिजनेस में अगर किसी और की शेयरिंग है, या फिर बिजनेस में गवर्नमेंट आ जाते हैं, फिर या फिर अपने क्रिएटर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनके साथ रिलेशन कैसे बनाना है, कनेक्शंस कैसे बनाने हैं, वो भी इनका काम है। ध्यान देते हैं टू मेंटेन गुड गवर्नेंस, अच्छे से बिजनेस चले। नाउ टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप बोथ फैमिली एंड नॉन फैमिली टैलेंट। फैमिली और नॉन फैमिली में जो भी टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करना। टू परस्यू डिसिप्लिन सक्सेशन। सक्सेशन मतलब जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जा रहा है तो डिसिप्लिन तरीके से। टू प्रिजर्व फैमिली ग्रेविटी, फैमिली की वैल्यू सिस्टम को, फैमिली के फ्यूचर को, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट को, फैमिली के इंटरेक्शन को, फैमिली के गवर्नेंस को मेंटेन करके चलते हैं फैमिली बिजनेस। सेपरेट मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। हो सकता है ओनरशिप फैमिली के 5 लोगों के पास है, बट मैनेजमेंट 10 लोगों के पास भी हो सकता है। नाउ स्पीक विद कॉमन वॉइस। कोई हर कोई अलग अलग बात नहीं करेगा, एक कॉमन बात होनी चाहिए, कॉमन चर्चा होनी चाहिए, कॉमन गोल होनी चाहिए। हाई स्टाफ लॉयल्टी एंड लो स्टाफ टर्नओवर। स्टाफ लॉयल्टी बहुत ही हाई होती है एक दूसरे के प्रति, बहुत ईमानदार होते हैं, और स्टाफ टर्नओवर लो होता है, मतलब यहाँ पे छोड़ के नहीं जाते लोग। फैमिली में बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं जो एक दूसरे के साथ में रहते हैं, इसीलिए फैमिली बिजनेसेस ज़्यादा सक्सेस होती हैं। नाउ डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स फैमिली मेंबर, शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉय। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करते हैं ये लोग कि फैमिली मेंबर्स के प्रति क्या है, शेयर होल्डर्स के प्रति क्या है, और एम्प्लॉयज के प्रति क्या है। फिर टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द फैमिली कंसर्न एंड नीड ऑफ द इंडिविजुअल। टाइम दे लेते हैं फैमिली के कंसर्न्स को समझने के लिए, एक हर एक इंडिविजुअल्स की जरूरत को समझने के लिए। टाइप ऑफ फैमिली बिजनेसेस। तीन टाइप हैं फैमिली बिजनेसेस के। नाउ पहला फैमिली ओन्ड बिजनेस, जिसमें मेंबर जो होते हैं फैमिली के उनका ही मेजोरिटी शेयरिंग होती है, प्रॉफिट बेस्ड बिजनेस। नाउ फैमिली ओन्ड एंड मैनेज्ड बिजनेस, ये प्रॉफिट बेस्ड बिजनेस होते हैं, मेजोरिटी जो शेयर्स होते हैं वो सिंगल फैमिली के होते हैं, बट इन्फ्लुएंस होते हैं किसी दूसरे मतलब दूसरे मेंबर के द्वारा भी। सिंगल फैमिली के मेंबर के पास मेजोरिटी शेयर होते हैं, बट एक्टिव जो पार्टिसिपेशन होती है वो अलग अलग मेंबर्स की भी होती है, मैनेजमेंट की भी होती है। तीसरा फैमिली ओन्ड एंड लेड कंपनी। फैमिली ओन्ड में मेजोरिटी ऑफ शेयर्स जो है वो सिंगल फैमिली की होती है, बट इन्फ्लुएंस होते हैं दूसरे अदर मेंबर्स के द्वारा भी, जहाँ पे एक फैमिली मेंबर एक एक्टिव तरीके से काम करता है टॉप मैनेजमेंट का, और उसके बाद जो अदर मेंबर्स होते हैं वो बिजनेस एक्टिविटी को ध्यान से करते हैं। अब यहाँ पे थ्री सर्कल मॉडल दिया गया है, देखो द थ्री सर्कल मॉडल ऑफ फैमिली बिजनेस। थ्री सर्कल मॉडल में द थ्री सर्कल मॉडल ऑफ द फैमिली बिजनेस सिस्टम इंक्लूड्स ओनरशिप, फैमिली और बिजनेस। जैसे नॉन फैमिली नॉन मैनेजर और ऑनर्स हैं, लेकिन यहाँ पे फैमिली मेंबर भी इन्वॉल्व है। नॉन फैमिली ऑनर और एम्प्लॉय, लेकिन फैमिली ऑनर एम्प्लॉय भी है, फैमिली मेंबर्स भी है, फैमिली मेंबर्स भी है, नॉन फैमिली एम्प्लॉय, मतलब हर जगह हर डिपार्टमेंट में फैमिली मेंबर्स तो रहेंगे।
थ्री सर्कल में यही दिखाने की कोशिश की। अब देखते हैं, द थ्री सर्कल मॉडल डिपिक्ट सेवन डिफरेंट ग्रुप्स हैविंग वैराइड लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द फैमिली बिजनेस। सात अलग अलग ग्रुप है लेकिन उसमें फैमिली मेंबर कैसे इन्वॉल्व है ये इस तीनों सर्कल में दिखाया गया है। पहला, फैमिली मेंबर्स नॉट इन्वॉल्व इन द बिजनेस बट हु आर डिसेंडेंट और स्पाउस और पार्टनर्स ऑफ द ओनर। मतलब फैमिली मेंबर्स तो इन्वॉल्व नहीं है बट उनके जो डिसेंडेंट्स हैं और जैसे स्पाउस है, किसी का पति है, किसी की पत्नी है, तो वो इन्वॉल्व है। फैमिली ओनर्स नॉट एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, हो सकता है फैमिली एम्प्लॉयर फैमिली ओनर एम्प्लॉयमेंट में नहीं है बिजनेस में, लेकिन नॉन फैमिली ओनर डू नॉट हु डू नॉट वर्क इन द बिजनेस, जो नॉन फैमिली ओनर्स हैं, मतलब हो सकता है बाहर का भी कोई ओनर हो लेकिन वो काम नहीं करता है बिजनेस में, बस उसकी ओनरशिप है। नॉन फैमिली ओनर्स हु वर्क इन द बिजनेस, या कुछ ऐसे नॉन फैमिली ओनर्स हो सकते हैं जो काम भी करते हैं बिजनेस में, और नॉन फैमिली एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं जो बिजनेस में काम करते हैं लेकिन ओनर नहीं है, फैमिली ओनर हो सकते हैं जो बिजनेस, मतलब एक तरीके से ये सात केसेस दे दिए, सात सिनारियो दे दिए कि फैमिली बिजनेस में कैसे अलग अलग केस हो सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है फैमिली बिजनेस के, बहुत ही सिंपल चीज है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। कहाँ जाएगा भाग के, कहाँ जाएगा, घर ही तो आना है, एक्स्ट्रा आवर्स भी काम कर लेगा, ज्यादा एफर्ट लगा देगा, फैमिली का बिजनेस है भाई, फैमिली आगे बढ़ेगी तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होता है। कॉमन वैल्यूज, सबको पता है हम किस वैल्यू के लिए, हमारे एथिक्स की, हमारी मान्यता है कि हमारे त्यौहार क्या है, हमारे एक दूसरे के संस्कार क्या है, सब पता है, तो वो कॉमन वैल्यूज हेल्प करती है। स्टेबिलिटी, इसमें लोग नया लंबे समय के लिए सोचते हैं तो कोई छोड़ के जाता नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, अपने हिसाब से काम कर लो, वर्कलोड किसी के पास ज़्यादा है तो शेयर कर लो, फैमिली मेंबर्स हैं एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, ईजिली काम को किया जा सकता है। लॉयल्टी, भरोसे, भाई फैमिली मेंबर से ज़्यादा भरोसा किसी पे कैसे हो सकता है, तो लॉयल्टी वाली बात है। और डिक्रीज्ड कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट कम लगता है क्योंकि यहाँ पे लोग सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं फैमिली बिजनेस को बनाने के लिए। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कई बार, पर्सनल इश्यूज की वजह से बिजनेस भी इफेक्ट हो सकता है। नेपोटिज्म, भाई जैसे हो सकता है बड़े भाई का बेटा ही एमडी बने, एमडी का बेटा ही एमडी बने, चेयरमैन का बेटा ही चेयरमैन बने, तो इस टाइप का इश्यूज आ सकता है कि ऐसे फैमिली बिजनेस में कोई सोच नहीं सकता ना कि एक एम्प्लॉई आके बन जाएगा एमडी, तो नेपोटिज्म हो सकती है। प्रेशर, गाइडलाइंस जो फैमिली बिजनेस में होती है वो कुछ एडिशनल स्ट्रेस डाल देती है नॉन फैमिली एम्प्लॉय पे, क्योंकि फैमिली में तो लोग अपने हिसाब से काम नहीं, बट नॉन फैमिली एम्प्लॉय दूसरे फैमिली के साथ इन्वॉल्व होने में, उनके ड्रेस कोड, उनके तरह बोलना, ये सब करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है नॉन एम्प्लॉय नॉन फैमिली एम्प्लॉय को। रिपीटेटिव, यहाँ पे रिपीटेटिव हो सकती है, जो फैमिली मेम्बर हो सकता है दो जो काम कर रहे हैं वही कोई दूसरा भी काम कर रहा हो, सेम काम कोई दो बंदा या तीन बंदे कर रहे हो या सेम काम बार बार किया जा रहा हो तो बोर्डम आ जाती है। सक्सेशन प्लानिंग, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जब बिजनेस शिफ्ट हो रहा होता है तो वहाँ पे डिफिकल्ट होता है यार, कैसे किसी को हैंड ओवर करें, उसको ढूंढना, कहीं ऐसे में कन्फ्लिक्शन ना आ जाए फैमिली, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ऐसे स्टेज पे आके बर्बाद हो जाते हैं जब सक्सेशन की बारी आती है। लैक ऑफ स्किल और एक्सपीरियंस, कई बार फैमिली बिजनेस होता है भाई अपने को क्या पढ़ने लिखने की जरूरत है, अपने को क्या स्किल डेवलप करने की जरूरत है, हमारे पास तो बना बनाया बिजनेस है ही, तो वहां पे ये दिक्कत आती है। अब अप्रोचेस टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिजनेस में फैमिली बिजनेस में तो कैसे खत्म करें। कोपिंग अप्रोच, कोपिंग अप्रोच में नेगोशिएट करो फैमिली मेंबर्स के साथ, बैठो उनके साथ, उनकी दिक्कत समझो, उनको समझाओ बुझाओ, उनको कुछ चाहिए तो उनको दे दो भैया, कॉन्फ्लिक्ट दूर करो। आर्बिट्रेरी अप्रोच, आर्बिट्रेरी एल्डर पर्सन जो होता है फैमिली का उसको पावर दे दिया जाता है, भैया आप रूल बनाओ, आप कंट्रोल बनाओ, उसी को पूरी की पूरी फैमिली फॉलो करेगी, आर्बिट्रेरी राजा वाला अप्रोच। नाउ मैनेज्ड अप्रोच, इसमें क्या है, जो पर्सन है एबिलिटी, मतलब उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप करनी होगी या बेटर रिलेशनशिप को हर इंडिविजुअल के साथ कैसे मेंटेन करें, मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट जहाँ भी आ जाए ना तो वहाँ पे कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस की आती है, कुछ चीज़ों को हैंडल करना होता है, कुछ चीज़ों को समझना होता है, तो इसमें लीड पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है, भैया तुम समझाओ सबको, ठीक है। नाउ मेजर्स,
टू ओवरकम फैमिली बिजनेस चैलेंज एंड, अगर फैमिली बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स है चैलेंजेस उनको अगर ओवरकम करना है तो उसके लिए क्या है, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस, संविधान तो बाद में, पहले एक फैमिली में भी एक संविधान होना चाहिए, फैमिली में भी एक रूल्स होने चाहिए। डेवलपिंग अ सक्सेशन प्लान, पहले ही प्लान बना लो भैया हम कैसे सेकंड जनरेशन पे शिफ्ट होंगे। फैमिली गैदरिंग एंड गेट टूगेदर, एक साथ बैठ जाओ, एक साथ गेट टुगेदर कर लो, डिनर कर लो, लंच कर लो, घूम लो भाई, उससे रिश्ते सुधरते हैं। अपॉइंटिंग एन आउटसाइड बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स, कई बार जरूरत पड़े तो बाहर के बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स को भी अपॉइंट कर लो, वो लोग भी अच्छा एडवाइस कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग की जरूरत है, ओरिएंटेशन की जरूरत है तो दे दो। नाउ नो योर पर्पस, अपना पर्पस जानना। ट्रीट ईच अदर विद ग्रेस एंड रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना। अब देख लो एक रिस्पेक्ट कितनी चीज होती है, हम कई बार डिसरिस्पेक्ट दे देते हैं किसी को और हमें लगता है, और धीरे धीरे आदत में आ जाती है, ऐसे हम बिजनेस नहीं बना सकते। कीप द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन, हमेशा बात करने के लिए ओपन रहो, ये नहीं जिद पे आ जानी हमें तो बात ही नहीं करनी है किसी से, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर भी फिनिश होता है। अब हम किस पे आ गए हैं, आई थिंक ये तो लास्ट चैप्टर होगा। लेसन नंबर 3, मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। कितना परसेंट कवर हो गया, 91%, 91% सिलेबस कवर हो चुका है, 9% ही रह गया। कोई नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में इसे भी खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा तो बताना मुझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।